हमारी बड़ी इच्छा थी कि आज 11 महीने में इस मजबूती के साथ हमारी सरकार और हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है, जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। 11 महीने में करीब 200 नक्सली मारे भी गए हैं और करीब 1500 के करीब आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी भी हुई है। और हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं नक्सलियों से कि सब गोली बारूद की भाषा छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़े, तो उनके साथ सरकार न्याय करेगी। ये सब कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इच्छा भी है कि आने वाला 26 मार्च तक इस देश से नक्सलवाद समाप्त भी हो जाए। उस दिशा में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार काम भी कर रही है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि हम ऐसे जवान कैंप में रहते हैं, वहाँ पर कैसे रहते हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं, उनके साथ मतलब उनका अनुभव साझा करने की इच्छा थी, उनके साथ भोजन करने की इच्छा थी। तो कल हम जगदलपुर के पास एक सुरक्षा कैंप में गए थे और उनके साथ अच्छी मुलाकात हुई, उनके साथ वार्तालाप भी हुआ। वहाँ पर कई संस्था के हमारे जवान थे, CRPF के थे, आपके STF के थे, DIG के थे और डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, जो मतलब ऐसे क्षेत्र में पुल पुलिया बनवा रहे हैं, डॉक्टर्स जो इलाज करते हैं, सबसे मिलके हम उनसे वार्तालाप किए, उनका अनुभव भी हम जाने और बड़ा अच्छा लगा। बड़े साहस के साथ लोग घोर नक्सली क्षेत्र में मतलब काम कर रहे हैं, उनके साथ सबके साथ बैठ के भोजन भी किए और उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आधे घंटे का प्रस्तुत किया। और उनकी सबकी इच्छा हुई कि हम एक रात उनके साथ बिताएं, तो हम एक रात वहाँ भी गए और सवेरे फिर उनसे मुलाकात करके एक पेड़ माँ के नाम इसे पेड़ भी लगा के वहाँ पर आए